टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। मजेदार गुड इवनिंग, आप देख रहे हैं दी मजेदार शो। मैं हूं आपका होस्ट फैजान शेख। उम्मीद करता हूं आपका वीकेंड बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। ठीक 9 बजे आपने टीवी वन लगा लिया होगा शो के लिए। सबसे पहले मैं वेलकम करता हूं हमारे हाउस बैंड को। बहुत सारी तालियां बजा दें कुछ। वेल डन, सब ठीक ठाक है दोस्तों, मजे में। और जब बात होती है मजे की तो बात होती है मेरे फैटर हाफ की, मेरे फनियर हाफ की। जी हां, बहुत सारी मस्नूई तालियां जो कि आप लोग घर पर बैठ के बजाएंगे फॉर मिस्टर आदिया दीलम जान। चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आदि। आप मुझे चाइनीज महसूस लग रहे हैं इस वक्त। हाँ, क्योंकि चाइना जो हर जगह छाया हुआ है तो मैंने कहा मेरे ऊपर भी छा जाए। वेरी गुड। क्या चल रहा है, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आजकल मेरा ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो रहा है। क्यों? एक तो मुझे मसला है। हाँ? और दूसरा ये कि हमारे लोगों की हरकतें ऐसी हैं, जैसे कि जब अल्लाह मियां आपको थोड़े से ज्यादा पैसे दे दें। हाँ? और आप वीगो या रिवो ले लें। हाँ? तो आपको ऐसा लगता है कि सब पागल के बच्चे हैं जो सड़कों पे घूम रहे हैं। अच्छा, 1500 रुपए का आप रूटर लेके लगा लेते हैं गाड़ी में। अब तो वो देख देख के आजकल दिमाग खराब हो रहा है मेरा। तो इस पे पाबंदी होनी चाहिए मेरे ख्याल से। नहीं, इस पे पाबंदी नहीं होनी चाहिए ना, फिर बड़े लोग हैं, अमीर लोगों पे पाबंदी थोड़ी होती है। नहीं, लेकिन सुकून तो अमीर गरीब सबका बराबर होता है। नहीं 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 नहीं, क्या बात कर रहे हो यार। अच्छा, वो छोटे लोगों के लिए होते हैं। वो बेचारे अगर कुछ थोड़ा सा कर दें तो उनको रोक के जलील कर दिया, उनसे 50-100 ले लिया। हाँ, अमीर लोगों को थोड़ी रोकते हैं, बड़ी गाड़ी को नहीं रोकते। आदि भाई की शुरू शुरू में आपको पता है फौरन जली कटी बातें शुरू हो जाती हैं। मैं जानना चाहता था कि अपडेट क्या चल रही है आजकल, क्या अपडेट्स हैं? अपडेट ये चल रही है कि अल्लाह मियां ने कुछ ऐसा मजेदार सी चीज की है। हाँ। कि हम लोग यहाँ शो करते हैं और बहुत सारी दुआएं लेते हैं, बहुत सारे लोग मिलते हैं। मुझे थोड़े दिन पहले एक मेट ग्रुप ऑफ पीपल, उन्होंने कहा यार हम चाहते हैं आप हर जगह आए। अच्छा, और पिछले हफ्ते। हाँ। ऐसा ही हुआ है, हर जगह है कि मैं हर जगह आ गया। क्या मतलब? कुछ इत्तफाक ऐसा हुआ कि मैंने एक चैनल के दो शो किए। हाँ। वो एक साथ ऑन एयर हो गए। हाँ। मैंने अपने शो किया ये वाला। हाँ। ये भी ऑन एयर हो गया। ठीक है, मैं जीतो पाकिस्तान किया वो भी ऑन एयर हो गया। ठीक तो है, सब कुछ को 8-9 चीजें एक साथ चल गई। आप हर जगह आ गए। हर जगह आ गए, तो इसलिए लोग बहुत अपडेटेड है मुझसे। अच्छा, लेकिन कुछ लोगों का ये सोचने का तरीका भी होता है कि कम काम करना चाहिए, लेस इज मोर वाली थ्योरी पे होते हैं। अच्छा, लेकिन बात ये कि मैं ये काम ना एंजॉय करने के लिए करता हूँ, मुझे कोई मशहूर नहीं होना। आप ज्यादा ज्यादा एंजॉय करना चाहते हैं। मुझे कोई एक हम इतने पीछे हैं दुनिया में। हाँ। हमें हर चीज में ना क्लास चाहिए। ठीक है, कि रेस्टोरेंट एक क्लास, बी क्लास, इसका क्लास से कोई लेना देना नहीं है। एक्टिंग करें बस यार, हर जगह आए क्या है? नहीं, फॉर एग्जांपल लोग कहते हैं कि मैं एक ही जैसा काम करता रहूंगा, तो मैं चाहता हूं कि मैं सिलेक्टेड काम करूं जो मैं खुद कर सकता हूं या जो मुझे अच्छा लगता है। भाई जिसको जो लगता है वो करे, करना चाहिए। मुझे लगता है कि जब मैं रोज सुबह उठूं ना तो मैं कैमरे के आगे खड़ा हूं बस। अच्छा, मेरे लिए तो मैं कैमरा खरीद लो। मैंने कैमरा खरीदा था, मैं अजीब सी चीजें बनाने लग गया था उसमें। मैंने ये बात इसलिए पूछी क्योंकि आज की जो हमारी गेस्ट हैं वो बेहद टैलेंटेड हैं, बहुत जबरदस्त काम करती हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि वो बहुत चूज करके काम करती हैं, हर काम नहीं करती, व्हिच इज हर ओन राइट, उनको जैसे लगे। बिल्कुल। तो आइए उनको बुलाते हैं बहुत सारी तालियों में जो कि आप लोग घर पर बैठ के बजाएंगे फॉर सोनिया मिशेल। आपको सबसे पहले बताएं कि ये जब बैंड नया नया आता है ना तब ऐसी हरकतें होती हैं। अक्सर बहुत सारी बीट्स मिस करते हैं फिर वो यूज्ड हो जाते हैं 3-4 शो तक, उस वक्त हमारा शो जो है वो निकल चुका होता है। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। एक बात। हाँ जी। आपका गाना मुझे बहुत पसंद आया। अरे थैंक यू। इंट्रो वाज सो गुड। हमने सिर्फ कोशिश की थी खुद ही लिख के खुद ही बनाने की। और हम सालगिरह और शादी पे भी गा लेते हैं। तकरीबात के लिए ऑर्डर जारी। अच्छा मुझे एक बात बताएं, हम यहाँ बैठते हैं दो सोफों के ऊपर और फिर गेस्ट आते हैं, फिर हम दूसरे शोज करते हैं वहाँ भी गेस्ट आते हैं, तो अक्सर गेस्ट जब हमें तस्वीर दिखाई जाती है या बताया जाता है ये है तो हम कहते हैं यार वाह क्या गेस्ट है। okay. अभी जब वो सामने आते हैं तो वो वैसे नहीं होते जैसे तस्वीर में होते हैं। ठीक है, तो आप तो वैसी हैं जैसी आप स्क्रीन पे लगती हैं। अच्छा? हाँ। क्यों है ऐसा? ये ऐसा कैसे किया आपने? इतनी खूबसूरत कैसे हैं? मतलब आपके पास फिल्टर्स कम हैं या आप मेकअप कम करती हैं, क्या बात है? नहीं, ये आपने एकदम से बहुत मुश्किल सवाल पूछ। क्यों? क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ इसी में,
जो है वो है बिल्कुल वेरी गुड नो हेयर नो मेकअप नथिंग नेचुरल सो आई थिंक दैट्स व्हाई मतलब ऐसा ना हो कि बारिश होते अगले की चीख निकल जाए ओह नाइस अच्छा जो मैंने शुरू में कहा ये कहां तक किस हद तक सच है ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन थी आई डोंट नो इफ इट्स राइट और रॉन्ग क्या कि मैं सारे काम नहीं करती मैं खाली वो करती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है दैट्स ट्रू ऐसे ही है जी बिल्कुल मैं बहुत सेलेक्टिव काम करती हूँ अच्छा क्यों करती हैं आपको ऐसा लगता है कि सेलेक्टिव करने से मैं खुश होती हूँ या लोगों में इम्पोर्टेंस आती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है मैं जो भी करती हूँ अपनी खुशी के लिए करती हूँ तो जो काम मुझे खुशी देता है मैं हमेशा उसके लिए जाती हूँ फेमस एक्टर तो मैं हूँ नहीं तो इसलिए मैं उस दौड़ में ही नहीं हूँ अच्छा मुझे बताया आपका एक्टिंग का प्रोसेस क्या है मैं तमाम एक्टर से पूछता हूँ कि जब एक स्क्रिप्ट आती है सो हाउ डू यू गो अबाउट इट अच्छा I go through the script. एक time में मैं दो या तीन scripts एक साथ पढ़ती हूँ. ठीक है. That's my process. Because उसमें से जो अच्छी लगती है, I always go for that. लेकिन उसमें कहानी mix-up नहीं होती कि यार नहीं ये इधर जा रही है उधर जा रही है. I take my time. अच्छा, okay. I take my time. Like अभी जो मैं project कर रही हूँ, मैं 1.5 साल बाद कर रही हूँ. Okay. So I write a lot of scripts this time. See, I was right कि वो हर काम नहीं करती. तो आप 1.5 साल में क्या कर रही थी? मैं 1.5 साल में घर पे बैठी थी. Lockdown भी हो गया COVID की वजह से. वो भी एक अपर हैंड मिल गया बट आई रेड अ लॉट ऑफ स्क्रिप्ट्स और उसके बाद तो 1.5 साल बाद जो आप प्रोजेक्ट कर रही हो उसमें ऐसी क्या खास बात है कि आपने कहा ये मैं करूँ हॉरर है हॉरर है यस ओह वेरी गुड तो यू हैव अ थिंग फॉर हॉरर स्टोरीज यस पैरानॉर्मल ह्यूज फैन ओह जबरदस्त तो मेरे लिए काफी डिफरेंट था सास बहू और लव ट्रायंगल से बहुत डिफरेंट कहानी थी दैट्स व्हाई क्योंकि हमारा ये जॉनर इतना ज्यादा नहीं एक्सप्लोर हुआ नहीं होता और अगर बनाते हैं तो कॉमिकल हो जाता है अगर सही से ना बने म्यूट करते तो बहुत फनी लगता है बहुत फनी लगता है तो हाउ इज इट गोइंग राइट नाउ मतलब आपको आप यू आर एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली सैटिस्फाइड कहीं ऐसा तो नहीं होगा अभी आप बात करते करते आपके मुंह में से हाथ निकल आएगा नहीं नहीं मैं इतनी मेथड एक्टिंग नहीं करती ठीक है अच्छा एक एक स्क्रिप्ट जैसे आपने कहा कि यू टेक योर टाइम एंड एवरीथिंग लेकिन उसमें डायरेक्टर की कितनी इंपॉर्टेंस होती है या आप कहती हैं आई डोंट माइंड कि नया डायरेक्टर भी बट आई लाइक दिस स्क्रिप्ट देखिए हम भी नए थे हमें भी किसी ने चांस दिया था बिल्कुल तो ये इन चीज़ों में मैं नहीं पढ़ती हूँ अगर आपके डायरेक्टर प्रोडक्शन हाउस वगैरह सब अच्छा है तो ऑफकोर्स गो फॉर इट एंड स्क्रिप्ट अगर बुरा है तो आपको उतना मज़ा नहीं आता करने का बिल्कुल सही है स्क्रिप्ट अच्छा हो तो आप फिर डायरेक्टर भी आप थोड़ा सा कहते हैं चलो ठीक है कर रहे हैं अच्छा ये वाला प्रोसेस आपका शुरू से है या आपने जब थोड़ा सा नाम बना लिया उसके बाद आपने कहा कि यार नाउ आई विल बी वेरी पिकी अबाउट इट शुरू से था बिकॉज मैंने एक्टिंग करनी नहीं थी एक्टिंग करनी नहीं थी क्या करना था फिर आपने ये कैसी बात है आपने की कि आपने एक्टिंग करनी नहीं थी क्या जूस की दुकान डालनी नहीं नहीं मैंने एक्सीडेंटली एक प्रोजेक्ट पकड़ लिया एक दोस्त के साथ जाके ऑडिशन दे दिया और उन्होंने मुझे लीड कैरेक्टर दे दिया वाह जी वाह और वो मैंने बस वो दोस्त अभी तक जिंदा है आपकी आपकी दोस्ती है उनसे नहीं है श्योर नहीं होगी क्योंकि मेरी कहानी कुछ ऐसी है और मेरा भी वो दोस्त नहीं है जिसके साथ मैं ऑडिशन पे गया था बिल्कुल ऐसे ही है तो वो अब करती क्या है सॉरी इंटरव्यू आपके लिए ना मुझे लेकिन ज्यादा इंटरेस्ट मैं जानना चाहता हूं कि अब वो क्या करती है वो अब घर चलाती है माशाल्लाह शी इज हैप्पीली मैरिड अभी तो वहाँ बहुत ठंड है मैं न्यू ईयर्स के लिए वापस जाऊंगी फिर वापस यहाँ आ जाऊंगी लेकिन ये काम के लिए आई कैन ट्रैवल ठीक है yeah. तो आप ये कोशिश करती हैं कि मैं एक दफा आऊं तो सारा काम कंप्लीट करा दूं और यू गो आती जाती रहती हैं हां आती जाती रहती हैं जरूरी है वहां जाना रिचार्ज होके फिर वापस आती हूं अच्छा तो आधा टाइम तो आपका जहाज में गुजर जाएगा हां गुजर मुझे डर भी लगता है जहाज जाहिर सी बात है वो हां लगना चाहिए क्योंकि हमारे यहां जहाज हवा से कम जमीन पे आता होगा लेकिन बड़ा डेयरिंग काम है लेकिन मजा आप कर लेती हैं मैं कर लेती हूं तो आप ये बताएं जब आप कराची आई पहली बार और आपने जाहिर सी बात है कम से कम एक महीने के लिए तो आई होंगे आप जितने के लिए भी आए कितनी देर के लिए आए फिर दे बताएं ताकि मसला हल हो मेरे दिमाग का सवाल इनकी ड्यूरेशन पे डिपेंड करता है आप बताएं भाई बताएं आपका भाई पहली दफा कराची आई थी तो मैं सिर्फ कुछ घंटों के लिए आई थी कुछ घंटों के लिए आई थी अब बोलो नहीं नहीं जब आई थी काम मतलब काम प्रॉपर आई तो फिर मैं आई थी कोई 3-4 महीने के लिए 3-4 महीने तो जब आप आई 3-4 महीने आप रही कहां थी होटल में रही थी या अपार्टमेंट में रही होटल में रही इसका मतलब इनका बैकग्राउंड बहुत बड़ा है ठीक है ये अलग सा ये भाई प्रोडक्शन भी ठहरा सकती है सॉरी क्या मतलब है छोटा दिमाग है ना गरीब कुछ आपको नफरत हुई थी कराची से क्या कहीं ये फील हुआ कि यार ये मैंने क्या कर लिया मुझे वापस चले जाना नहीं नहीं ऐसा कभी नहीं हुआ क्योंकि अगर ऐसा हो जाता तो फिर मैं ये काम कर ही ना सकती क्योंकि सारा काम तो कराची में ही है कराची में और आप यहाँ जानने वाले रहते थे जी कौन थे मेरे भाई आपके भाई यहाँ रहे थे
मेरे भाई यहाँ पे तुम्हें क्या कहीं और बताया था उन्होंने कहीं और रहते नहीं आपके भाई यहाँ क्यों रह रहे हैं भाई माँ बाप के साथ रहना चाहिए माँ बाप जॉब के बड़ा करते हैं आपको अलग हो गया भाई वो भी काम के लिए होंगे लड़ाई करवा रहे हैं मेरे घर वो भी काम करते होंगे यहाँ पे हाँ जी उनकी जॉब है काम करते हैं शादी हुई है उनकी शादी हुई है आपकी शादी हुई है नहीं हुई आप करना चाहती हैं नहीं आप भी नहीं करना चाहती एक सेकंड आप लोग कर लें मैं बैठा हूँ नहीं मैं जाना नहीं नहीं जब आपको गवाह की जरूरत पड़े तो मैं बैठा हूँ नहीं देखिए इंटरव्यू का क्या मतलब होता है देखो जाने पहचाने ना आप क्यों नहीं करना मुझे नहीं बताया था कि ऐसा इंटरव्यू नहीं मुझे बताएं इनके सवाल को आप छोड़ दें ये हमेशा इस तरफ नहीं मेरे जवाब मुझे चाहिए लड़की से पूछना चाहिए कि लड़की को क्यों नहीं करनी भाई आप क्यों शादी नहीं अभी नहीं करूंगी इंशाल्लाह मतलब साल दो साल में हाँ पता भी नहीं चलता साल दो साल का आप क्या कह रहा था मैं भी साल दो साल ही सोचा हुआ था मैं कह रही थी चलिए ठीक है साल दो साल में कर लेना अच्छा क्या देख रहे थे आप ठीक है जी आप बात शुरू हुई थी शादी से और बात चली गई है ब्रेक की तरफ हम जाते हैं ब्रेक पे ब्रेक से वापस आते हैं हमारे साथ मौजूद है सोनिया मिशाल और आप देख रहे हैं द मजेदार शो आप देख रहे हैं मजेदार शो हमारे साथ मौजूद है सोनिया मिशाल उनके साथ मौजूद है आदि आदि रमजद और उनके साथ मौजूद मैं नहीं बेटा ये करने से नहीं होता पहले मैं मौजूद हूँ आपके साथ फिर उसके बाद वो मौजूद थोड़ी इज्जत जो साथ खड़ा होता है वो पहले आता है वेलकम बैक जी आप देख रहे हैं मजेदार शो मेरे साथ मौजूद है आदि आदि रमजद उनके साथ मौजूद है सोनिया मिशाल उनके साथ मौजूद हूँ मैं ये ठीक है और हम खेलने लगे दिस और दैट मजेदार आपको ऑप्शन एक चूज करना ही करना है उससे आप बाहर जवाब नहीं दे सकती नो डिप्लोमेसी और आपको कोई भी किसी चीज को जस्टिफाई नहीं करना है तैयार हैं आप ठीक है जी पहला सवाल पॉजिटिव कैरेक्टर्स या नेगेटिव कैरेक्टर्स पॉजिटिव ठीक है लाइव या फिर रिकॉर्डेड शोज रिकॉर्डेड शोज एक्टिंग या फिर मॉडलिंग एक्टिंग टीवी या फिर फिल्म फिल्म रिक्शा या फिर बस रिक्शा वोट या फिर आई डोंट केयर पंक्चुअल या फिर लेट पंक्चुअल नेटफ्लिक्स या फिर यूट्यूब नेटफ्लिक्स कैश या फिर चेक बोथ नहीं एक हम एक ही दे अच्छा कैश कम हो और चेक ज्यादा हो तो आप क्या प्रेफर करेंगी कैश कम हो और चेक ज्यादा हो हाँ चेक बाद का है लेकिन कैश अभी अभी चेक वो वाला है कि अभी वो आई नहीं है बस साइन होना रह गया रास्ते में हाँ ये वाला नहीं होता है ना साइन हो गया लेकिन अभी अप्रूवल नहीं मिला सारी बात होती है रास्ते में भी होता है हाँ एग्जैक्टली कैश या फिर चेक कैश कैश ठीक है ओके अली अब्बास या इमरान अब्बास अली अब्बास इमरान अब्बास इमरान अब्बास की बुराई कर दी इमरान कह रहे हैं अली अब्बास इमरान अब्बास नहीं यार इतने सालों उन्होंने काम किया है एक मिनट इतने सालों से वो काम कर रहे हैं इतना टाइम दिया इंडस्ट्री को यार ठीक है कोई बात नहीं तो मैं हाथ इसीलिए मारा तो कह रहे हैं अब जा गए ठीक है आउटडोर्स या फिर इंडोर्स इंडोर्स पूछिए आदि ये बताइए आइस लॉली या आइसक्रीम आइसक्रीम ये बताइए इस्लामाबाद के पहाड़ या कराची का समंदर इस्लामाबाद के पहाड़ ये बताइए इस्लामाबाद के लड़के या कराची के लड़के इस्लामाबाद के लड़के ठीक है भाई ठीक है ठीक है भाई दोस्तों भाइयों देख रहे ना आप लोग मामू इस्लामाबाद वाले मामू मैं शिफ्ट होने वाला हूँ अच्छा ये बताइए कि समंदर में जाके पानी में एंजॉय करना या रेत पे बैठे रहना समंदर में जाके ये बताइए दोस्तों के साथ बाहर घूमना या घर में बैठ के चिलिंग करना घर में बैठ के चिलिंग ये बताइए कि दांत जो है असली पसंद है या नकली सफेद चिट्टे यूं लगे हुए नहीं असली असली जैसे भी हाँ, जैसे भी असली होने चाहिए और बाल आपको असली पसंद है या एक्सटेंशन वाले असली असली ठीक है फवाद खान या फवाद चौधरी फवाद खान फवाद चौधरी साहब नहीं फवाद चौधरी साहब ने इतना अरसा पॉलिटिक्स को दिया आपको मुंह नहीं लगा रही है देखिए आपने कहा था मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकती यार पहला गेस्ट है जिसको ये बात याद है चलो तुमने अभी तक कोई डील नहीं दिया यार मैं आपको हाँ ये आपके सामने असल में ये जो क्यूब रखा है ना ये इसलिए रखा है कि अगर आपने हमारे आखिरी सवाल तक कुछ सॉल्व कर लिया सवाल अभी भी 20-25 है okay. अगर आपने इसको सॉल्व कर लिया तो हम आपको 2 लाख रुपए कैश देंगे यार पैसे बढ़ाओ हमने क्वेश्चंस कम कर दिए इस्लामाबादियों के लिए 3 लाख मुझे आता है ये सॉल्व कर आप कर लें कर लें मैं आपको 3 लाख रुपए कैश आपसे नहीं होगा ये आपसे नहीं होगा क्योंकि आपने चीटिंग की हुई है नहीं 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 ये खराब है इसलिए इसमें सारे रंग डले रखा इसीलिए हमने अच्छा जी एक्सट्रोवर्ट या इंट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट विंटर्स या समर्स विंटर्स ऑटोग्राफ या सेल्फी सेल्फी इम्प्रोवाइजेशन या फिर स्क्रिप्ट इम्प्रोवाइजेशन को एक्टर से दोस्ती या फिर रिजर्व दोस्ती बहुत मॉर्निंग शो या फिर इवनिंग शोज मॉर्निंग शोज हीरा मानी या फिर सिर्फ मानी हम आजकल के जो लड़के लड़की है ना हमें इज्जत नहीं करने आ रहा मेरी देखिए हीरा तो हीरा थी ना जब मानी आए तो वो हीरा मानी हुई
हीरा मानी है तो हीरा मानी हुई है फिर। नहीं नहीं, कैसा हीरा हीरा है, हेरा 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 हेरा, ठीक है सवाल करें। अच्छा ये बताइए कि शादियों में जाना या बोलना यार मैं नहीं जाती बहुत शोर होता है, मैं नहीं जा रही। ये बताइए कि रोड पे गाड़ी पे घूमना या बाइक पे घूमना, बाइक। अकेले बाहर जाना या दोस्तों के साथ बाहर जाके शॉपिंग करना, शॉपिंग तो दोस्तों के साथ। अच्छा आलू गोश्त में गोश्त पसंद, गोश्त आलू पसंद है या नहीं? आलू गोश्त में गोश्त पसंद, अक्सर लोग कहते हैं ना भाई हमें नहीं पसंद, हम फोक खाते हैं। नहीं नहीं, आम आप फोक से खाती हैं या गुड़च करके खाती हैं? क्या चीज, आम फोक से खाती हैं या गुड़च करके खाती हैं? फोक से खाती हूं, क्यों पता नहीं क्यों, आई डोंट नो। आपने वो वाला ट्राई किया गुड़च वाला स्टाइल? नहीं, वाले साहब की अगर आमदनी 65,000 से ज्यादा हो तो फोक से ही खाते हैं लोग, ये मैंने नोट कर लिया। गुड़च का कोई सीन नहीं है, इसमें फैंसी होने का कोई चक्कर नहीं है, ये बस वैसे ही। अच्छा दाल चावल आप हाथ से खाती हैं? हां दाल चावल हाथ से खाती हैं। ठीक है फिर, ठीक है। अच्छा मैं भी शायद या माहिरा खान? माहिरा खान, अब शुरू हो जाए आपसे बड़े अफसोस की बात, मैं भी शायद यार, बहुत टाइम अपना उनका मुंह हर स्क्रीन पे आता है माशाल्लाह, लेकिन मतलब आपने इतना काम ना लगाया, इतना काम करती हूं। मैं खुद थोड़ा कम काम करती हूं ना, तो मुझे इससे लोग भी वो पसंद है। ठीक है, जो कम काम करते हैं, मैं रोजा प्रोजेक्ट छोड़ देता हूं। घर का खाना या बाहर का खाना? घर का खाना। रोना धोना या फिर डोमिनेंट रोल्स? डोमिनेंट रोल। ये बताइए अब्बू की साइड अच्छी लगती है अम्मी की साइड अच्छी लगती है? अरे बाप रे, अम्मी की। अब्बू ननियाल पसंद है, ददियाल नहीं पसंद यार। मर्द की वजह से दुनिया में आई है वो ही उसे की साइड पसंद नहीं है। घर में पहले ही बहुत लड़ाई है, आप ऑर्डर करवा अंकल हम आपसे सॉरी, अब लड़की आ गई मीडिया में ना, सॉरी सॉरी। अच्छा जी शोएब अख्तर या वसीम अख्तर? वसीम, वसीम अख्तर साहब। आपको पता है वसीम अख्तर साहब कौन है? क्रिकेटर है क्या? लो भाई वसीम अख्तर साहब क्रिकेटर है? अस्सलाम वालेकुम, कौन है? इमरान खान जिम्नास्टिक में आते थे, आपको पता नहीं है? शोएब अख्तर साहब क्रिकेटर है, वसीम अख्तर साहब पॉलिटिशियन है। आपके जवाब से मुझे शक हुआ कि आपको सही बात नहीं पता। सॉरी शोएब अख्तर, शोएब अख्तर, वसीम अख्तर नहीं पसंद इनको। आपको पता उन्होंने क्या किया? वो कौन है, तुमसे कैसे पसंद हो? उनको पता ही नहीं है कौन है। अच्छा लेकिन अगर मतलब वसीम अकरम होते तो वसीम अकरम, हाँ एग्जैक्टली, मतलब शोएब अख्तर नहीं, अख्तर अकरम। अब तुम्हें दो दफा करना पड़ेगा ये। शोएब अख्तर जितना भागा है ना अपनी पूरी करियर में, यहाँ से वो इस्लामाबाद पहुंच सकता है, इतना उसका लंबा रहना। लेकिन फिर भी आपने कोई नहीं, बात नहीं। अच्छा ये बताइए कि मीठी पूड़ी खाना या खट्टी पूड़ी खाना? खट्टी पूड़ी भी कुछ होता है, पानी पूड़ी या उसमें मीठी चटनी वाली मीठी पूड़ी, वो मीठी पूरी होती है और एक पानी पूरी होती है जो खट्टी होती है। खट्टी खट्टी पूड़ी, ठीक है। अच्छा ये बताएं कि मामू या खाला? मामू, खाला, खाला क्या हो गया? माँ की बहन तो माँ ही होती है, बिल्कुल माँ जैसी। आजकल की जनरेशन मामू नहीं, चलो ठीक है। अच्छा जी सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, गंभीरता जरा डालिएगा। नहीं रुके, नहीं उससे पहले सेकंड लास्ट इंपॉर्टेंट सवाल। अच्छा हाँ पूछो। ये बताइए कि माशाल्लाह आप काम करती हैं और बड़ा सेलेक्टिव काम करती हैं, ये बताइए आपको ज्यादा अच्छा कौन लगता है, TV1 या दूसरा कोई चैनल? देख लें, ये हम आपको इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि थोड़ी देर में अभी एक एनवेलप आएगा चलता हुआ, तो हम चाहते हैं कि सोच समझ के जवाब दें। हम मुफ्त में कमर्शियल भी करा लेते हैं। नहीं मैंने TV1 के लिए भी काफी प्रोजेक्ट्स किए हैं। वो हमें नहीं सुनना, और अभी आपका एक प्रोजेक्ट चल भी रहा है। हाँ जी चल, हमें नहीं। हाँ तो फिर बताइए कौन सा? TV1। अब उससे भी ज्यादा गंभीर सवाल, जरा गंभीरता डालिएगा प्लीज, थोड़ी सी और क्योंकि आप इतना सारा काम करती हैं, यंग हैं, आपको चीजें जाहिर सी बात है पता है कि आजकल हो क्या रहा है, तो उसके हवाले से आपका ओपिनियन बड़ा मैटर करता है। ठीक है ना, तो आपने सोच समझ के जवाब देना है। टीवी पे तो एक दफा चल के खत्म हो जाएगा, लेकिन इंटरनेट पे हमेशा रहेगा, और कहते हैं इंटरनेट इज फॉर एवर, सो यू हैव टू बी वेरी श्योर अबाउट योर आंसर। द क्वेश्चन इज आदि या फैजान? जिंदगी में बहुत बड़े बड़े जवाब दिए होंगे, लेकिन ये जवाब सोच समझ के। तुमने क्यों मोनोलॉग निकाल लिया अपना? ये मैं अम्मी ने बोला था कहना। अच्छा चले जी, सोच सोच समझ के जवाब दीगा, और से सुनना दोस्तों, क्योंकि इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं चाहिए हमें। तैयार हैं आप? जी हम तैयार हैं, हम तैयार हैं, तो काफी देर से तैयार। आज मैं बेल्ट भूल गया पहनना, लेकिन तैयार हूं मैं। एक आदमी से डांस नहीं हुआ क्योंकि वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि मेरा नाम आ जाएगा। वक्त भाई जी ब्रेक का, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, हमारे साथ मौजूद है सोनिया मिशाल और आप देख रहे हैं दी मजेदार शो। वेलकम
बैक जी, आप देख रहे हैं दी मजेदार शो और हमारे साथ मौजूद है सोनिया मिशाल, उनके साथ मौजूद है आदि अदील हमजा, उनके साथ मौजूद हूं मैं। अच्छा मैं तुम्हारे साथ मौजूद हूं। अरे हो ना यार, बोला ना मैंने। अभी बोला करो, I need words। अभी मैंने आपका नाम लिया, उनको मेरा नाम लेने दे। क्या हो गया यार, मैं तो बुरा भी नहीं मान रहा। देखो वो अलग बात है, मैं ब्रेक में रो रहा था, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है। अच्छा जी, एक सिलसिला हमने ये शुरू किया है कि हम हर शो पे एक टैलेंट को यहाँ पे इनवाइट करते हैं, जो कि आके अपना टैलेंट यहाँ पे शोकेस करते हैं। right. क्योंकि वी अंडरस्टैंड कि हमारे यहाँ प्लेटफॉर्म इतने नहीं है, और अब तक जितने जबरदस्त हमारे पास लोग आ चुके हैं, आज भी हमारे साथ एक और साहब मौजूद हैं, ये उनसे बात करते हैं। वो एक सिंगर है, वसीम शरीफ उनका नाम है। अस्सलाम वालेकुम वसीम। वालेकुम अस्सलाम। शरीफ आपके वाले साहब का नाम है? वाले साहब का नाम। वाले साहब का क्या नाम है पूरा? शरीफ अहमद। शरीफ अहमद, शरीफ अहमद, सारे सिंपल लोग हैं ना। सिंपल शरीफ अहमद, वसीम शरीफ, क्या सिंपलिसिटी, सिंपलिसिटी, सिंपलिसिटी। अच्छा अच्छा, हम लोग इंग्लिश सुनते हैं ना, जी आके बीच में आ जाती है हमारा। शरीफ है ना थोड़ा सा, तो ये है ना टेक्नोसिटी उसके बराबर में। छोड़े ये अजीब बात है, आप हमें इग्नोर कर दें, इट्स ऑल राइट। ये बताइए आप कराची से? जी। कहाँ से? मैं बफर जोन में। सर मुझे बताइए कब से सिंगिंग कर रहे हैं आप? 5 साल हो गए। थके नहीं? 5 साल से गाए। अरे यार मतलब 5 साल से करते आ रहे हैं, मुसलसल नहीं कर रहे। तो आपने सिंगिंग कहाँ से सीखी, या वैसी शौकिया करते हैं? सीखी और कहाँ से सीखी? उस्ताद से सीखते हैं। आपने कहाँ से सीखी सिंगिंग? मेरे जो मैंने थोड़ा बहुत गाइडेंस ली, नदीम जाफरी, मेरे टीचर जो है वो अवेलेबल है ऑलरेडी। हसन इमरान, हसन इमरान से मैंने गिटार सीखा और म्यूजिक में भी बहुत ज्यादा हेल्प की हसन इमरान। जबरदस्त यार। तो मुझे बताया कभी किसी ने इंस्पायर किया किसी सिंगर ने? सिंगिंग में मुझे नदीम जाफरी भाई ने बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया था, और उसके अलावा मेरे टीचर्स वगैरह ने बहुत सपोर्ट किया और दोस्तों वगैरह ने। सिंपली सबके साथ ही होता है। दिल धड़कने का सबब याद है। अच्छा मुझे ये बताइए एक सवाल, मुझे ना एक अजीब सा मसला है ना पूछना होता है। ये बताइए कि आपको कब लगा कि आपको गाना गाना आता है? स्कूल में लगा। अच्छा मुझे बताएं कि आप क्या एक प्रॉपर प्रोफेशनल सिंगर बनना चाहते हैं, या बस अभी शौकिया? ठीक है, शौकिया तो है, लेकिन अगर प्रोफेशन अगर इसमें बन सके कुछ तो बन जाएंगे, फिर काम करेंगे। बिल्कुल, अपने सॉन्ग्स वगैरह मैंने बनाए हैं। अच्छा आपने काम बनाया आपने? जी यार, ये अच्छी बात है, वरना हमारी इंडस्ट्री माशाल्लाह अभी तक कवर ही गाई जा रही है। जी वही तो देख रहे हैं, ऐसी बातें नहीं करते। ये बताइए क्या हुआ, आपने भी देखा? अच्छा लग रहा है। अच्छा आपको भी अच्छा लग रहा है? आपको वेरी गुड, हम चाहते हैं आपको अच्छा लगे। ये तो आपकी शादी हुई है? नहीं, मतलब आपका कोई इतना इंटरेस्ट नहीं है शादी में? है, क्यों नहीं होगा शादी में इंटरेस्ट? क्या भाई आप मतलब क्या बोलते हैं ना, कहते यार नहीं करनी। अच्छा ही नहीं, मेरा ये मकसद। एक लड़का घबरा के कर है भाई क्या हो गया है यार, मैं करूंगा शादी, मैं शरीफ हूं तो क्या हो गया, शादी तो करूंगा ना। मेरा ये मकसद ही नहीं था ना, मैं तो बहुत सिंसियरली पूछ रहा था। आप सिंपलिसिटी में रहे, इट्स ऑल राइट। अच्छा ये एक और छोटा आखिरी सवाल, क्योंकि देखिए प्लेटफॉर्म तो आपका, आप जो मर्जी। बिल्कुल। तो ये बताइए कि कभी ऐसा हुआ कि गाना आपने गाया हो और कोई इम्प्रेस हो गया हो आपसे? अरे हाँ, कभी नंबर ले लिया, दे दिया हो, ऐड कर लिया हो? नहीं ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ क्या? मर्दों में गा रहे सिर्फ? नहीं यार, आप कुछ ज्यादा ही शरीफ हैं यार, इतना रिस्पांस नहीं मिलता था। अरे नहीं नहीं यार, क्या बात कर रहे हैं आप भाई, ज्यादा रिस्पांस है, मेरे शर्ट उतार दो। अरे सलमान खान उतारता है तो रिस्पांस आता है। ओ भाई वो सिंगर नहीं है। अच्छा सॉरी। हाँ नहीं बॉस, आप शर्ट पहने रहिए प्लीज, और आपका जो टैलेंट है इंशाल्लाह आज की परफॉर्मेंस के बाद बहुत सारी कामयाबी मिलेगी, बहुत सारी पजीराई मिलेगी। दिल धड़कने का सबब याद आया, दिल धड़कने का सबब याद आया, वो मेरी याद थी अब याद आया, दिल धड़कने का सबब याद आया। आज मुश्किल था संभलना ए दो, आज मुश्किल था संभलना ए दो, तू मुसीबत में अजब
याद आया, तू मुसीबत में अजब याद आया, वो तेरी याद थी अब याद आया, दिल धड़कने का सबब याद आया। यार आप तो अच्छा खासा गाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप तो बता ही नहीं रहे, मैं आप जगह तो मैं तो गुरूर करता। नहीं मैं गुरूर नहीं हूँ। आप बताएं अगर आपके अंदर ऐसा टैलेंट होता आप क्या करती? आप इनमें भी गुरूर नहीं है, इतनी टैलेंटेड है। नहीं नहीं ये वाला सिंगिंग का, सिंग गाना गाती हैं आप? नहीं थोड़ा सा? बिल्कुल भी नहीं। तो अगर आपके अंदर सिंगिंग होती तो आप क्या करते? जब होती तो फिर पता चलता, अभी है ही नहीं। बताना, देखो यार सिंपल लोग हैं हम सारे, सारे तुम्हें छोड़ के। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। अच्छा जी अब हम खेलने लगे एक्सप्लेन योरसेल्फ। मजेदार 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 मजेदार। कुछ तस्वीरें आपकी जो हमने निकाली है, आप बताएंगे आप ये करना क्या चाह रही थी इन तस्वीरों में, हम जानना चाहते हैं। लाइए जी तस्वीर दिखाइएगा जरा। हाँ ये देखें, ये आपका क्या, दरवाजा टूट रहा था, निकल रहा था, क्यों आप किस रैली में हिस्सा लिया था? ये जब आप शूट कर रहे होते हैं और जब एक बड़ी महंगी गाड़ी आ जाती है सेट पे तो एकदम से फोटो सेशन जाग जाता है, जाग जाता है, ये वो वाला मोमेंट। ओह नाइस। तो यकीनन इस गाड़ी में पीछे डाला भी होगा। जी बिल्कुल। आप वहां पे क्यों, आपने ये गेट से आता निकल के क्यों किया? पता नहीं आप पता कैसी लग रही है वो वो मगरिब मगरिब की अजान से पहले अम्मी आवाज नहीं आती बेटा घर आ जाओ वो लग रही है। चलो बेटा मगरिब का वक्त हो गया है। अच्छा जी अगली तस्वीर दिखाइए जरा। अच्छी बात है यार, ये देखें। ओह ये क्या हुआ है? ये तो हर लड़की दाना दबा रही है। नहीं नहीं मेकअप सही कर रही हूं। मेकअप सही कर रही है? मेकअप सही कर रही है। अच्छा और ये जो आपके सामने खड़ी है कौन है? ये भी मैं ही हूं। अच्छा ये आप ही हैं? डबल करेक्ट जी। अच्छा आईने में है तस्वीर? हां। अच्छा जी हम सामने कोई और है? मैं समझा मैं उसको बता रही हूं यहां है, यहां है वो कह रही। अच्छा जी अगली तस्वीर दिखाइए। अरे ये क्या हुआ, इंसान उधार लेना था? नहीं नहीं ये एकदम से जब आप फिर कभी सेट पे अक्सर काफी यार सेट पे मजे क्यों ले रही है दुनिया की? अच्छा अकेले अकेले ना, कोई कहीं नहीं है, पेंटिंग के साथ खड़ी हुई है, गाड़ी से बाहर निकल गई। मुझे आर्ट का शौक है ना, मैं पेंटिंग वगैरह करती हूँ। आज सारे शरीफ लोग आए हैं। आर्ट अच्छी लगी तो मैंने कहा यार पिक्चर ले। अच्छा पेंटिंग करती है? जी मैं पेंटिंग। इनको आर्ट का शौक है? मुझे सात और मुझे नौ। मुझे मुझे आर्ट नहीं समझ में आता। अच्छा नहीं लेकिन अच्छी तस्वीर है। थैंक यू। अच्छा लड़कियां कुछ भी करें अच्छी लगती हैं, मैंने नोट किया। ये आप खड़े होते ना हमारे झुकते मार मार के हमारे कमेंट के नीचे ना हमारी मुंह कर देते। छोड़ो वाह ये आपने बीप खुद ही लगा दी। जी जी। अच्छा अरे वाह वाह, तो ये आप पूरी जगह छोड़ के जमीन पे क्यों बैठी है? हाथ में क्या पकड़ा हुआ है आपने? मेरी बिल्ली है। अच्छा मुझे लगा मोजा खींच के पकड़ा हुआ वो बिल्ली बिल्ली है भाई। पिक्सेलेटेड तस्वीर है ना, नहीं दिख रहा। मुझे लगा मोजा चेक कर रही भाई कहां से सुरा इस्लामाबाद से ताल्लुक है। अच्छा अब्बा की तरफ, अब्बा की तरफ सब 65,000 से ज्यादा है तो बिल्ली है। एटलीस्ट एक बिल्ली होगी होगी। क्या हो गया आपको? ये पिक्चर भी आपके इस्लामाबाद की है। पीछे क्या, पीछे क्या हुआ? पार्क है। अरे पार्क है, पार्क तो है। ये क्या बना हुआ है? गरीब है अंधे थोड़ी, ये पीछे पटका क्या बना हुआ है? पार्क है मतलब पता है पार्क क्या होता है, हमारे भी है दो चार। अच्छा नहीं मुझे बताइए पीछे क्या बना हुआ है, मुझे थोड़ा सा प्लीज एक्सप्लेन कर दें। ये मुझे भी नहीं पता, ये इस्लामाबाद में F9 पार्क है, उसके अंदर ये कुछ बना हुआ था कोई रैंडम F9 पार्क। अच्छा बिल्ली का नाम क्या है? वूफू। ये क्या हो गया भाई? वूफू इसको जोर से आवाज कैसे देंगे? इसको जोर से आवाज नहीं दे सकते, करीब हो तो बुला देंगे। वूफू बात सुनो, आप इसको वूफू आवाज कैसे देती हैं? अगर ये कहीं और दूर हो वहां खड़ी है समझे, वो खड़ी है बुलाना है, सुन नहीं रहे, क्या करेंगे? क्या करेंगे आप मुझे बताएं? इसका दूसरा नाम भी है कोई? ये करने से बिल्ली तो नहीं आएगी, लोग आ जाएंगे। इसका दूसरा नाम है बेटा तुम्हारी कहां चली गई? इधर ही दीदी, बुलाया मैंने, आ नहीं रही, अब खिला दो। अच्छा जी अगली तस्वीर दिखाएं प्लीज, जरूरत तो नहीं लेकिन दिखा दें। अच्छा वाह 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 वाह, सर में दर्द है आपके, क्या हुआ ये? नॉर्वे की पिक्चर है। नॉर्वे नॉर्वे आप नवाब शोआ कभी नहीं गए? नॉर्वे चली गए।
यार ये बहुत सभी अमीर है हमारे अलावा हम मैक्सिमम हाईवे तक गए मैक्सिमम वो भी था फीस सुन के वापस आ जाते हैं तो नॉर्वे गई थी आप नॉर्वे कैसा था नॉर्वे बहुत प्यारा बहुत प्यारा था हम तो गुजरात में भी गए भाई अल्लाह के वास्ते ब्रेक ले लो यार आप ब्रेक पे जाइए वापस आइए हमारे साथ मौजूद हैं सोनिया बिजार आप देख रहे हैं हमें बोलने से था तो पागल हो गए आप देख रहे थे मजेदार शो जाएं ब्रेक में आप देखें मजेदार 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 मजे मजे मजेदार 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 वेलकम बैक जी आप देख रहे हैं तो मजेदार शो मेरे साथ मौजूद है आदित्य दिल अमजद उनके साथ मौजूद है सोनिया मिशन उनके साथ मौजूद हूं मैं जबरदस्त थैंक्स यार तुम थोड़ा गर्म हो जाते हो ना बिटी को यार हां बुखार हो जाता है हां अच्छा ठीक है जी अब हम खेलने लगे 5 सेकंड रूल मजेदार 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 आपसे एक सवाल होगा आपने जवाब देने उसके 5 सेकंड के अंदर आप जब जवाब दे देंगी तब आप बजाएंगी ये बजर जरा बजाइए बड़ा महंगा लगाया हमने कैसा ठीक है दो तीन दफा बजाएं बस ज्यादा नहीं बजा खराब खराब हो जाएगा एग्जैक्टली अच्छा जी तैयार हैं आप जी ठीक है जी तीन टाइप्स ऑफ कॉफी बताइए कैपेचिनो माकियाटो ब्लैक सुना बीच वाला क्या था मैं तो उधर टिक टिक बजवाने में लगा हुआ लेकिन तुमने सुना क्या था कैपेचिनो माकियाटो क्या होता है माकियाटो किया कभी तुमने हाँ तुम तो दूध पत्ती खा के नहीं गए कभी माकियाटो माकियाटो क्या होता है बताओ मैं मदरली मदर जो कॉफी बनाती है मैं इससे आ गया तीन फेवरेट एक्टर्स कोई इंडस्ट्री पागल की बच्ची एक्टिंग कर रही है भाई मैं कंफ्यूज हो गई थी हॉलीवुड के बताओ यहां के बताओ अच्छा चलिए मैं आपको दोबारा मौका देता हूं तीन फेवरेट एक्टर्स ओके ब्रैड पिट ऑरलैंडो ब्लूम फवाद खान ऑरलैंडो ब्रैड पिट भी था बीच में कोई ऑरलैंडो ब्रैड पिट नहीं ब्रैड पिट और ऑरलैंडो ब्लूम अलग लोग हैं ठीक है तीन फेवरेट एक्ट्रेसेस बताइए एक्ट्रेसेस माहिरा खान सबा कमर यमुना जैदी वेरी गुड तीन चीजें जो आपको अंधेरे में नजर नहीं आती कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं वेरी गुड क्यों नहीं कुछ भी नजर नहीं आता अंधेरे में अंधेरे में सपने नजर आते हैं बहुत ही बुरा जवाब था ठीक है तीन प्लैनेट्स के नाम बताइए जुपिटर मार्स नेपच्यून वाह जहां रह रही उसी का नाम अर्था अर्था ठीक है तीन एनिमल्स साउंड्स म्याऊं भाऊ बे कितने बोरिंग थे ये बेचारे म्याऊं भाऊ बे अखबार पढ़ रहे थे म्याऊं बे एक वो भी तो था मैं जाना चाहता हूँ क्या वही आ रहा था मैं ठीक है वूफू वूफू गलत बोला तीन बिल्लियों के नाम बताइए जो मेरी थी वूफू तीन बिल्लियां भी थी आपके पास हाँ बहुत थी बताया ना इनकम 65 के ऊपर है ठीक है चलो पूछो 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 मुझे नाम तो बताए वैसे वूफू बब्स और मीका 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 सिंह मीका मीका सिंह इनके यहाँ बिल्ली थी पहले अच्छा वहाँ सिंगर बन गए इंडिया जाके अच्छा वो वहाँ ट्रैवल कर गया बब्स भी था बब्स ठीक है बब्स यू ओह वाला नाइस अच्छा तीन चीजें जो आपके फ्रिज में हमेशा मौजूद होती हैं क्रीम चीज मक्खन ब्रेड वेरी गुड आदि भाई पूछें तीन चीजें जिनको आप हाथ में नहीं पकड़ सकती पानी हाँ 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 हवा 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 दूसरों का शॉवर मैं जी देखिए जवाब देना जरूरी होता है लोग गलत समझते हैं इसीलिए आज मैं पूछे आपके लिए मैं खड़ा हूँ बेफिक्र हो जाए ठीक है पूछे थैंक यू तीन ऐसी चीजें जो देख के ना अजीब सी हो जाती हैं आप छिपकली कॉकरोच मच्छर नाइस चलो तीन ऐसी चीजें जो काली होती हैं बिल्ली कुत्ता बाल मैं हेल्प भी कर रहा हूँ तुम क्या कर रहे हो पीछे से मैंने कहा हेल्प अरे यार अच्छा तीन ऐसी चीजें जिसमें आपको बहुत डर लगता है जो मुझे डर छिपकली कॉकरोच बस छिपकली कॉकरोच और बस इनसे डर लगता है बस आ जाए तो एकदम घबराया दिया ठीक है तीन ऐसी चीजें जो आपको रुला देती हैं इमोशनल चीजें अपनी जिंदगी अपनी जिंदगी रुला देती है पैराग्राफ नहीं लिखना खाली बोलना है ऐसे शुरू हो गया इमोशनल चीजें जो मेरी जिंदगी में होती रही हैं जैसे कि जब मैं 3 साल की थी मैं सोच रही थी कोई बात नहीं ठीक है अच्छा तीन ऐसी चीजें बताएं जो कि हैं शुड हैव अच्छा जो आपको होनी चाहिए जब आप बूढ़ी हो जाएं अच्छा शौहर अच्छे बच्चे बहुत पैसा बहुत पैसा तीन ऐसी चीजें देखो नाम नहीं आया किसका किसका बूफू नहीं चाहिए आपको पढ़ा दे वो मर जाएगी होगी बूफू तब नहीं होगी बिल्ली की क्या उम्र होती है 8 से 12 साल 8 से 12 साल 8 से 12 तो उस वक्त तो बुड्ढी नहीं होती हाँ ठीक है अच्छा तीन ऐसी चीजें जो दूर से नजर आती हैं करीब से नजर नहीं आती मुझे तो दूर से कुछ नजर नहीं आता
आपकी आंखें कमजोर हैं? कितनी कोई कमजोर है? व्हाट इज द नंबर? मुझे नहीं पता, बहुत वीक है, पता भी नहीं है, नंबर भी नहीं पता, इतनी खराब है कि टेस्ट ही नहीं कराया, चश्मा नहीं लगा दिया, लगाती हूं लेंस लगा, नंबर कार्ड बैग में, अच्छा याद ही नहीं है, मेरा एक जमाने में था -7.25, जी मतलब चश्मा उतारता था यहाँ की दुनिया गायब, बिल्कुल गायब। अच्छा तीन ऐसी चीजें बताएं जो खाने में जरूरी डलती हैं। मिर्च, नमक, हल्दी। वेरी नाइस, हल्दी बिल्कुल सही आपने कहा। अच्छा तीन आखिरी चीजें जो आपने खाई हो। कॉफी, सीरियल, दूध। तीन ऐसी चीजें जिसमें से बदबू आती है। 18-19 सेकंड दे दिए हमने आपको, ठीक है कोई बात नहीं। तीन ऐसे फ्रेजेस जो आप बहुत ज्यादा यूज करती हैं। ओह माय गॉड, नहीं यार, अच्छा। तीन ऐसी चीजें जो आपको दी जाए तो आप जितनी भी नाराज हो मान जाएंगी। चॉकलेट, बिल्ली और खाना। तीन फेवरेट डिज्नी कैरेक्टर्स। रैपंज़ल, सिंड्रेला, स्नो वाइट। रैपंज़ल सुना है कभी नाम? पता है, लंबे बाल वाली। वेरी गुड यार, उसकी माँ रोज को तेल लगा देती है इसलिए बाल लंबे थे। वाह यार आदि, वेरी गुड। तीन मार्वल कैरेक्टर्स। मार्वल कैरेक्टर्स, I don't like Marvel movies. ठीक है। तीन ऐसी चीजें जिनको आप खींच सकती हैं। लिपस्टिक, नहीं लिपस्टिक लिपस्टिक ये मत कीजिए। पता क्या होता है, अगर दोस्त दूर खड़ी हो ना तो लिपस्टिक खींच के लगा। ठीक है, तीन लड़कियों के नाम, तीन लड़कियों के नाम जो एस से आते हो। सोनिया, सबा, समीरा। तीन राइमिंग नेम्स। तीन रैंडम नेम्स, राइमिंग नेम्स। ठीक है, इसके अलावा नहीं है और नहीं है। तीनों जबरदस्त तीन राइमिंग नेम्स। आना जाना गाना। नेम्स भाई क्या हो गया? सना, हां फना। फना फना नाम नहीं होता, क्यों छोड़ दो। फना फना एक्ट्रेस है भाई। फेवरेट होस्ट। आप बस 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 बस, ये आदमी में बस कौन आपकी? हां नहीं है ना, ज्यादा पसंद नहीं। पसंद नहीं भाई, नहीं पसंद। पूछो। तीन ऐसी चीजें बताइए जिनको आप देखेंगे तो देखती रह जाएंगी। ओए होए होए, बस कुछ हमें, नहीं हमें, हाँ देखा अभी मैंने करके बताया। ओ, ऐसी कोई चीज़ प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल करके दिखाया करके दिखाया मैंने। ठीक है जी, जबरदस्त, आपने बहुत अच्छा खेला। नहीं खेला, ये हम ऐसे ही कहते हैं हर दफा। आई नो, इसलिए मैंने बोला ये। इस वक्त हम उमूमन इस वक्त करते हैं मूव ऑफ द डे, लेकिन आज मैंने उसको थोड़ा चेंज किया। आज हम करने लगे ट्रिक ऑफ द डे। ओके, ट्रिक मैं आ गया मैजिशियन वाले फॉर्म में हूँ आज, अल्लाह खैर करे। 1 2 3 एब्राकडाब्रा कबूम। खवातीन और हज़रात, मेरे बहुत प्यारे दोस्त, इसकी आज सालगिरह है और बड़ी बहुत बड़ी बात है, पैदा होना मामूली काम नहीं है। और मेरे ऐसे वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है माशाल्लाह सालगिरह का, तो हम इसको शुरू करें जनाब। अल्लाह का फटना जाए इधर साइड से, साइड से, ये देखो। 1 2 3 एंड गुड। अबे जल्दी चलो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर आदि, हैप्पी बर्थडे रुकैया, सुरैया, शकीला, अनीला, जो जो हमें देख रही हैं, आप सबके दिलों में बिजलियां गिराने के लिए आज की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि एंटरटेनमेंट की दुनिया का बड़ा प्रोजेक्ट आदि की आज सालगिरह है। और उम्मीद करते हैं आपको हमारा शो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो आप इनकी एपिसोड के लिए भी ट्यून इन करेंगे जो कि हम थोड़ी देर में करने लगे। दिस वाज मजेदार शो, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, वी आर साइनिंग आउट, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं शफात अली और मुझे देखिएगा आदि और फैजान के साथ द मजेदार शो में, ओनली ऑन TV1। मजेदार 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 मजे मजे मजेदार मजेदार मजेदार।